आज कोई वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। आप लोग जो देख पा रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एंजल फिश के ऊपर। एंजल फिश के आप लोगों को आज जो मेनली मैं बताऊंगा केयर के ऊपर, और इनका जो कहना है एंजल फिश में कई सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं। और ये बहुत खूबसूरत दिखती हैं क्योंकि थोड़ा सा इनका लुक भी डिफरेंट होता है और इनका बिहेवियर भी बिल्कुल से अलग होता है सभी फिशेज से। और अपन लोग इनको नहीं जानते कि कौन सी फिशेज के साथ इन्हें रखना चाहिए, कौन सी फिशेज के साथ नहीं रखना चाहिए, कितना बड़ा टैंक होना चाहिए। और अपन लोगों की ज़्यादातर मछलियाँ मर जाती हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस मछली को रखें, कैसे एक्वेरियम में रखना चाहिए कि मछली आप लोगों की मरे ना और काफ़ी खुश रहे। और आप लोग इसके बारे में जान पाएंगे तो आप लोग इसे खरीदेंगे और इसे अच्छे तरीके से आप लोग इसे रख पाएंगे। तो इस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करना और किसी फिशेस वाले फ्रेंड लोगों को, अपने रिलेटिव्स को भेजिएगा जो मछलियों के शौकीन है, व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज का वीडियो है इसको स्पॉन्सर किया है माय ब्रांडलेस एप्लीकेशन ने। आप लोग ऐसी देखा है, इस एप्लीकेशन में आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिससे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं, जिसमें आप लोगों को काफी डिस्काउंट मिलेगा। और ये एप्लीकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसमें आप लोगों को काफी सारे ऑफर्स मिलेंगे, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप लोगों को अदर वेबसाइट्स में नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसमें मिल पाएंगे। और काफी सेफ भी है, आप लोग इसे डाउनलोड कीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा और इसका यूज भी कीजिएगा। अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने भी इससे कुछ चीज़ें मंगाई थी, अच्छा है, आ भी जाता है सामान। तो आज मैं आप लोगों को वीडियो बताने वाला हूँ एंजल फिश के बारे में। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ पूरी फिशेज के बारे में। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये एंजल फिश होती है, ये देखने में थोड़ा सा स्लो स्लो दिखती है, थोड़ा धीरे धीरे चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग होते हैं गोल्ड के साथ डाल देंगे, गोल्डन के साथ भी डाल देंगे, रेड कैप के साथ डाल देंगे, ब्लैक मोर के साथ। तो पहली चीज़, गोल्ड ग्रुप के साथ ये मछली नहीं रहती। गोल्ड ग्रुप के साथ आप इसे बिल्कुल भी अगर रखने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसे बाउल में रखा जा सकता है, तो क्या इसे बाउल में भी बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता, इसके लिए आप लोगों को एक एक्वेरियम चाहिए। तीसरे नंबर पे आप लोगों को इसमें फिल्टर कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हर एक मछली में आज के डेट में ऐसा प्रचलन चला हुआ है कि पावर फिल्टर का यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पावर फिल्टर का यूज़ एंजल फिश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर फिल्टर में जो फोर्स होता है उस फोर्स की वजह से इनको थोड़ा स्विंग करने में, तैरने में प्रॉब्लम होगी और ये बह के दूसरी तरफ चली आएंगी, एक तरफ से दूसरी तरफ चली आएंगी। जो इसका ग्रुप होता है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं अपन लोग। तो जो इसका ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मछली तो बहुत धीमी है, बहुत स्लो स्लो है, तो किसी मछली को परेशान नहीं करेगी, काटेगी नहीं, जैसे गोल्ड के साथ रख ले, तो ऐसा नहीं है। आप गोल्ड के साथ इसे बिल्कुल भी रखिएगा। दूसरे नंबर पर चीज़ बता देता हूँ, ये चिचिल्स का भी ग्रुप नहीं है। अगर आप सोचें कि आप इसे ग्रीन टेरर के साथ में, या काफ़ी एग्रेसिव फिशेस हो गई, बनाना चिचिल्स हो गई, फायर माउथ हो गई, उनके साथ में रखना चाहते थे, उनके साथ में भी नहीं रहेंगे। और इसका जो मेनली ग्रुप होता है, ये जो बिलोंग करती है टेट्रा ग्रुप से बिलोंग करती है। और ये जो आप अभी मेरे पास मछली देख रहे हैं, ये फ्रेश वाटर की एंजल है, ये मरीन साल्ट वाटर की भी एंजल आती है। और इसमें एक आती है मोनो एंजल, जो साल्ट वाटर प्लस आपका फ्रेश वाटर दोनों में रह लेती है। और जो भी मेरे पास है, ये एंजल फिश है, ये रिवर फिश है और पॉन्ड फिश है, जो कि रिवर में पाई जाती है, जो कि मेनली इंडिया में नहीं पाई जाती, ये बाहर के देशों से बिलोंग करती है। इंडिया में इसकी ब्रीडिंग अब होने लगी, जिसकी वजह से इंडिया में अब आ जाती हैं। और आप लोग इसको खाने के बारे में बता देता हूँ, फिश फूड इसे क्या देना चाहिए। नॉर्मली तो कोई भी फिश फूड खा लेगी आपको, चाहे आप ओपियम खिला दो या टोक्यो खिला दो या, लेकिन ये कोई चीज़ की अच्छी क्वालिटी का फिश फूड खिलाइए, जैसे टेट्रा बीट वगैरह हो गया। क्या है कि ये मेनली जो खाने का इसका कंडीशन है, ये ऐसे फीड को खाने की कोशिश करती है ज़्यादा जो कि खाना पानी के अंदर डूब जाए, यानी टेट्रा बीट खाना जो होता है वो आप डालेंगे तो पानी के अंदर डूब जाता है। वैसे आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मछली को खाना कैसे खिलाना चाहिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं, उस तरीके से भी आप इसे खाना खिला सकते हैं। और अगर आपकी एंजल फिश खाना नहीं खाती है, उसके लिए मैं आप लोगों को दो तरीके बताता हूँ, वो तरीके आप लोग अपनाइएगा, आपकी एंजल फिश जरूर खाना खाएगी, और अगर वो बीमार है कुछ भी है तो खाना खाने लगेगी। पहले नंबर पे तो इसको आप लाइव ब्लड वॉर्म्स खिला के देखिए, ब्लड वॉर्म्स आते हैं लाइव कीड़े होते हैं छोटे छोटे, मतलब कि गांव गाँव में निकलते हैं या तो कहीं कीचड़ वीचड़ होता है वहाँ पे लंबे लंबे केचुए के जैसे निकल आते हैं, उन्हें आप एक हाथ पकड़ के इनके एक्वेरियम में डाल देंगे, वो भी ये खा लेंगी। और अगर खाना नहीं खाती होगी तो भी खाना, एक तरीका मैं आप लोगों को और बताता हूँ इसको खाना खिलाने का, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। मछलियों को आप जब भी खाना दें, अगर आपकी मछली कोई खाना नहीं खाती है और आपके खाने में ध्यान नहीं दे रही, तो इसके एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मछलियाँ आपको देख के या अपने चेंज हुए एटमॉस्फेयर की वजह से या नए लोगों की वजह से नई जगह देख के भी खाना बंद कर देती है। इसके लिए आप जब इसे खाना दें तो वो जगह एकदम शांत होनी चाहिए, वहाँ पर शोरगुल ना हो, आप वहाँ पर इरीटेटिंग डिस्टर्ब ना करें, गाने वाने ना बजाएँ, तेज़ आवाज़ में हल्ला वल्ला ना करें। उसके बाद आप जब नई मछलियाँ रहें, जब वो आपको पहचानती नहीं, तो आपके हाथों से खाना भी नहीं खाती, थोड़ा डरी सहमी, उसके लिए क्या करना चाहिए,
खाने को आप ऐसे खिलाओ कि उसका मूवमेंट होना चाहिए, जैसे कि आप इस ट्वीज़र वगैरह आप ले लो हाथ में, उसे उसके आप दाने को पकड़ दो ऐसे, और आप दूर से मतलब लाइट और लाइट वाइट ऑफ कर दो। अभी हो सकता है मेरी ये मछली भी खाना ना खाए, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ लाइट भी एक्वेरियम को ऑफ कर दिए, मतलब कोशिश ये कीजिए कि मछली को पता ना चले कि आपने आप खाना देने उसे आए हुए हैं, और इसे दूर से ही आप ऐसे डिप कीजिए हल्का हल्का, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि कोई कीड़ा वीड़ा पानी में कुछ कर रहा है मूवमेंट, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से आपके आप देखेंगे कि कई सारी मछलियाँ जो खाना नहीं खाती हैं, जैसे कि बेटा फिश में भी कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो वो एक्चुअल में डर जाती हैं और ये खाती नहीं, क्या कीड़े वगैरह खाती हैं, तो इनको उनके पास जब कुछ आया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी ध्यान से देख भी रही हैं कि कुछ है, और लेकिन ये है कि आप हाथ मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब कि आप वहाँ पे हैं नहीं, आप जब उसे खाना दें, जैसे कि ये देखें अभी वो एंजल फिश ने खाना खाया है, आप देखिएगा अभी देखें ये देखें, आप लोग देखे होंगे किस तरीके, मतलब आप एकदम दूर रहें। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं मछलियाँ खाना नहीं खाती, नई मछलियाँ खाना नहीं खाती, पुरानी मछलियाँ खाना नहीं खाती, तो इसका इसके पीछे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं बहुत सारी मछलियों को, तो ये आप समझ लेना कि मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया हूँ, उसीलिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ कि मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ इस टाइम पे, थोड़ा सा बिजी होने के कारण और थोड़ा सा कुछ अपनी परेशानी की वजह से आप लोगों से बातें कम कर पाता हूँ, वो मैं बता नहीं सकता, कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से मैं आप सभी लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, कमेंट्स की रिप्लाई भी नहीं करता, वीडियोस भी कम बनाता हूँ, तो इसकी वजह से मैं आप कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में आप लोगों को कई सारी चीज़ें कवर करके बताया करूँगा और दिखाया करूँगा। तो जो मेनली चीज़ मैंने बताई है कि आप मछली खाना नहीं खाती, तो उसका भी तरीका मैंने बता दिया, एंजल फिश बेटा फिश भी, और दूसरी चीज़ इसको आप कौन से ग्रुप में रखेंगे, टेट्रा ग्रुप में आप रखना, जैसे कि बार फिशेस होती हैं और टिन फाइल वगैरह होती हैं, इन फिशेस में बार फिशेस में चल जाएगी, और गोल्ड के साथ इसे आप बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, और ये लाइव प्लांटेड टैंक में भी ये मछली चलती है, एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, लाइव प्लांटेड एक्वेरियम में भी ये मछली आपकी चल जाएगी, प्लांटेड टैंक में अगर आप लोग मछलियाँ रखते हैं, जैसे प्लांटेड टैंक में मॉली फिशेस वगैरह रखते हैं आप लोग, बार फिशेस रखते हैं, नियॉन टेट्रा वगैरह, लेकिन एक चीज़ से ध्यान दीजिएगा, एक्वेरियम आपको मिनिमम एक फिट 12x12 का टैंक यूज़ कीजिएगा, उससे छोटा टैंक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि छोटे टैंक में इनको थोड़ा सा इनकी जो साइज़ होती है ना वो भी काफ़ी बढ़ती है, इनकी साइज़ जो चली जाती है 5 इंच से लेके 10 इंच तक की जा सकती है साइज़, और इनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है अगर ये एक्टिव और स्वस्थ रहेंगी, तो जैसे कि अगर आप लाइफ प्लांटेड टैंक में रखेंगे, जैसे कि रिवर की फिशेस हैं, तो जो रिवर का एटमॉस्फेयर होता है उसमें काफ़ी सारी ऑक्सीजन होती है, कई सारे लाइव प्लांट्स होते हैं, सनलाइट वगैरह मिलती है, जो अपन लोगों को प्लांटेड टैंक होता है उसमें भी आप लोग ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि उसमें जो LED लाइट वगैरह लगाते हैं उसमें भी सनलाइट वगैरह आती है का काम करती हैं, और लाइव प्लांट रहते हैं जो उनके भी उन लोगों को मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं, प्लांट्स के नेचुरल मिनरल्स अलग मिल जाते हैं, तो ऐसे करके आप लोग इसे लगभग मैंने एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी है, वो है ब्रीडिंग के बारे में और इसका मेन फीमेल फाइंड करने के बारे में, तो अगर मैं वो भी इस वीडियो में कवर करूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं आप लोगों को वो वीडियो इसमें कवर नहीं कर पाऊँगा, नेक्स्ट में जब ब्रीडिंग का चालू करूँगा अपना सीरीज, तो उसमें मैं आप लोगों को सभी फीसेस के जब बारी से बताऊँगा तो इसका भी बता दूंगा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी चीज़ों की लिंक दी हुई है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ओपन करके आप लोग उसे चेक कीजिएगा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।